नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदा और आप देख रहे हैं टेकन में एक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे डूटासेट टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डूटासेट टैबलेट के बारे में सब कुछ, जैसे कि किन रोगों के कारण डूटासेट टैबलेट लिया जाता है, इस मेडिसिन के डोज और साइड इफेक्ट्स क्या है, डूटास्टेराइड और फिनास्टेराइड में से कौन सी मेडिसिन बेहतर है, और क्या आप डूटास्टेराइड और फिनास्टेराइड एक साथ ले सकते हैं या नहीं। सबसे पहले जानते हैं डूटास्टेराइड क्या है। दोस्तों डूटास्टेराइड एक तरह का मेडिसिन है जो बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बढ़े हुए प्रोस्टेटिक ग्लैंड के आकार को सिकुड़ता है ताकि यूरिन पास होने में दर्द या कठिनाई ना हो। दोस्तों डूटासेट टैबलेट में डूटास्टेराइड होता है। ये मेडिसिन पुरुषों में उनके मेल पैटर्न बैलेंस के कारण हुए बालों को झड़ने से रोकने का काम भी करती है, और महिलाओं में डूटासेट तब दिया जाता है जब उनके शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि पीसीओडी के मामले में। आपको अगर मेल पैटर्न बैलेंस क्या होता है और उसे रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनोक्सिडिल 5% के बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप जान गए हैं कि डूटासेट 5mg टैबलेट किस वजह से लिया जाता है। अब बात करते हैं डूटास्टेराइड और फिनास्टेराइड में से कौन सी बेहतर है। मेल पैटर्न बैलेंस को रोकने के लिए वाइडली डूटास्टेराइड प्रेस्क्राइब किया जाता है, फिर भी कभी कभी मेल पैटर्न बैलेंस के लिए फिनास्टेराइड को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। ऐसे में मन में सवाल आता है दोनों में से कौन सी मेडिसिन लेना बेहतर होगा। यहाँ आपको समझना जरूरी है दोनों अलग अलग मेडिसिन है, लेकिन दोनों ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में रूपांतर होने से रोकती है। डूटास्टेराइड और फिनास्टेराइड दोनों मेडिसिनों में से फिनास्टेराइड पुरानी मेडिसिन है। फिनास्टेराइड 1970 के दशक में डेवलप किया गया था और 1992 के दशक में बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया के ट्रीटमेंट के लिए FDA द्वारा इस मेडिसिन को अप्रूव किया गया था। फिर 1997 में मेल पैटर्न बैलेंस के ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन को अप्रूवल मिल गया था, जबकि डूटास्टेराइड को 1996 में डेवलप किया गया था और 2001 में FDA द्वारा अप्रूवल मिला था बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के ट्रीटमेंट के लिए। अभी भी इस मेडिसिन को, मतलब डूटास्टेराइड को, मेल पैटर्न बैलेंस के ट्रीटमेंट के लिए FDA द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल पैटर्न बैलेंस को रोकने के लिए डूटास्टेराइड इफेक्टिव नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है टेस्टोस्टेरोन को DST, मतलब डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में रूपांतर करने से रोकने में डूटास्टेराइड फिनास्टेराइड से ज़्यादा प्रभावी है। एक रिसर्च के मुताबिक डेली 0.5mg के डूटास्टेराइड के डोज देने से 98% DST रोका गया है, जबकि फिनास्टेराइड के 0.5% डोज देने से 70% DST रोका गया है। यही नहीं, फिनास्टेराइड के कॉम्पेरिजन में डूटास्टेराइड ज़्यादा बाल उगाने में सक्षम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फिनास्टेराइड की तुलना में डूटास्टेराइड का हाफ लाइफ ज़्यादा है। आसान शब्द में कहें तो दोस्तों, डूटास्टेराइड फिनास्टेराइड के तुलना में हमारे शरीर में अधिक समय तक रहती है। एक बार डूटास्टेराइड लेने के बाद ये मेडिसिन हमारे शरीर में 4 से 5 हफ्ते तक रहती है, जबकि फिनास्टेराइड लेने के बाद 5 से 6 घंटे तक ही ये हमारे शरीर में रहती है, उसके बाद निकल जाता है। दोस्तों डूटासेट 0.5mg टैबलेट ओराली खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। बेटर रिजल्ट पाने के लिए ये मेडिसिन आप डेली एक ही टाइम पर लें। डूटासेट 0.5mg के डोज आपके बाल झड़ने के मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। यूजुअली दिन में एक टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के सलाह के अनुसार ही इस मेडिसिन को लें और बताया गया पूरा कोर्स कंप्लीट करें। अब अगर बात करें दोस्तों डूटासेट 0.5mg टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, तो कुछ छोटे बड़े साइड इफेक्ट्स देखा जा सकता है, जैसे कि स्लो सेक्सुअल ड्राइव, इम्पोटेंस, स्पर्म काउंट कम हो जाना एटसेट्रा। कुछ पेशेंटों में एलर्जिक रिएक्शन भी देखा गया है, जैसे कि इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग ऑन लिप्स एटसेट्रा। आपको ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट्स दिखे तो जल्दी से जल्दी अपना डॉक्टर को बताएं, और इस मेडिसिन के लास्ट डोज लेने से 6 महीने के अंदर ब्लड डोनेट बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से डूटासेट 0.5mg टैबलेट के रिव्यू कर लेते हैं। यह है दोस्तों डूटासेट ब्रांड नेम के डूटास्टेरॉइड 0.5mg टैबलेट, और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं। इस मेडिसिन को कीवी लैब्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है।
अब अगर बात करें दोस्तों डूटासेट 0.5 mg टैबलेट के कॉम्पोजिशन के बारे में, तो दोस्तों हर टैबलेट के अंदर एक्टिव सब्सटेंस डूटास्टेराइड 0.5 mg होता है। यहाँ डोज के बारे में बताया गया है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, मतलब आपका डॉक्टर जैसे प्रेस्क्राइब करे उस हिसाब से इस मेडिसिन को ले। यहाँ स्टोरेज प्रिकॉशन के बारे में बताया गया है, इस मेडिसिन को कूल, ड्राई और डार्क प्लेस में रखना चाहिए। अब अगर बात करें दोस्तों डूटासेट 0.5 mg टैबलेट के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों 10 टैबलेट के एक स्टिक मात्र 90 रुपए में आप नजदीकी किसी भी मेडिसिन शॉप से आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों डूटासेट 0.5 mg टैबलेट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट में भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मेडिसिन से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आपको अगर ऐसे ही किसी अन्य मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आप डूटासेट 0.5 mg टैबलेट लेते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर को अगर मेल पैटर्न बैलेंस की शिकायत है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों बार बार हमारे चैनल में आके वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।